दोस्तों वैसे तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के पास बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है जो आइंस्टाइन का इक्वेशन एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर सकता है। ये चीज है स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। दोस्तों जब एक ब्लैक होल रोटेट करता है तब उसके अराउंड का स्पेस रोटेशन की डायरेक्शन में ट्विस्ट होने लगता है। इस चीज को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। अब दोस्तों आपने अपने वॉश बेसिन या बाथटब के पानी को अंदर की तरफ जाते हुए जरूर देखा होगा। जब बहुत सारा पानी उसमें भर दिया जाता है और अचानक से ड्रेन को खोल दिया जाता है तब पानी एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करता, बल्कि वो स्पाइरल के फॉर्म में अंदर जाने लगता है। अब ये चीज हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि अर्थ के रैंडम करंट्स की वजह से हो रही होती है। ड्रेन के पास का पानी रैंडम करंट्स की वजह से स्पाइरल बन जाता है और उसके पीछे का पानी ओवर टाइम उसका ही मोशन फॉलो करती है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही स्पेस टाइम के अराउंड भी ऑब्जर्व किया जाता है। किसी भी मास के प्रेजेंस में उसके चारों ओर का स्पेस भी बेंड हो जाता है और जो रिजल्टिंग कर्वेचर देखने को मिलता है वो स्ट्रेट लाइंस में नहीं बल्कि कर्व्ड पाथ्स में दिखाई देते हैं। हमें पता चला कि मास की रोटेशन की वजह से स्पेस टाइम में भी डिस्टॉर्ट होता है। जैसे कि जब धरती रोटेट करती है तब वो आसपास के स्पेस को भी अपने साथ ड्रैग करता है और इसी इफेक्ट को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं।